राधे श्याम का इंडसइंड बैंक पर इन्होंने 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं और जिनका परचेजिंग प्राइस है वो 1640 का है। लगभग 225 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है मयूरेश इंडसइंड बैंक पर। इनफैक्ट आज ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट के बेसिस पे स्टॉक मजबूत खुला तो लेकिन मजबूती होल्ड नहीं कर पाया, क्या सजेशन होगा आपका? थोड़ा वीकनेस मार्केट्स के साथ है बट आई थिंक जिनका एक्सपोजर्स है कॉर्पोरेट अकाउंट्स पे और जैसे स्लिपेजेस के इन्होंने डायरेक्शन दिया 1.9% ऑफ ओवरऑल एडवांसेस जितनी रिकग्निशन हुई है मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ आई थिंक रिकवर होनी चाहिए विद इंप्रूवमेंट इन कॉस्ट्स एंड इंप्रूवमेंट इन कॉस्ट इनकम रेशियोज अलॉन्ग विद स्टेबिलिटी एसेट क्वालिटी। तो यहाँ से अगर स्टॉक और करेक्ट होता है तो बिल्कुल एवरेज किया जा सकता है, होल्ड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे फंड में है, ठीक है, होल्ड करने की सलाह है इंडसइंड बैंक। चलिए आज समय की कमी है, 23 सवाल ले पाएंगे शो में। शुक्रिया मयूरेश आपका, कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से?